Now इट इज इम्पोर्टेंट टू look what could बी द एथिकल problems विद ऑल those हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स पास में जो भी स्टडीज की जाती रहीं उसके रिजल्ट में जब ओवरऑल एनालिसिस किया गया तो डिफरेंट तरह के इश्यूज़ जो थे वो देखने में आए एंड दोज इश्यूज़ आर नाउ टुडे द बेसिस ऑफ मेकिंग द कोड ऑफ एथिक्स इंटरेस्टिंगली एक जहाँ जहाँ पास में रिसर्चिज में कोई इशूज आते रहे उन्होंने बेसिकली लीड किया टू रिफॉर्म अ पॉलिसी टू एन एथिकल प्रिंसिपल फॉर इंस्टेंस इन्हीं रिसर्च की लाइट में ये बात मालूम हुई कि लैक ऑफ इंफॉर्म कंसेंट इज़ अ बिग इशू अगर हम इंफॉर्म कंसेंट यूज नहीं करते तो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के साथ एथिकली इनजस्टिस हो रहा होता है विच इज़ अगेंस्ट द बेलमोट रिपोर्ट एज आई टॉट अर्लियर कोवर्जन और अनड्यू प्रेशर ऑन वॉल्टियर्स इज़ नॉट पॉसिबल लाइक like, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को हमेशा यूज नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में एज एन एक्सपेरिमेंट यूज़ एंड एक्सपलाइटेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रोहिपटिड फॉर इंस्टेंस अगर एक पेशेंट जो है वो ओल्ड एज में है एंड इट्स नियर टू डेथ बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न तो उसके ऊपर हम कोई आ, ऐसा केमिकल ड्रग या इस तरह के कोई लाइव जर्म्स एड नहीं कर सकते जिससे उसको कोई हैपेटाइटिस कैंसर या सिंफिल्स uh, uh, किस्म की जो डिजीजेस हैं उनके हम लोग कोई आउटकम्स देख सकें बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि हम uh, किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को अनड्यू रिस्क कर सकें देन विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन इज अनदर पॉसिबल रिस्क समाइम्स वी जस्ट डोंट टेल पार्टिसिपेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डू वॉट विद यू इन दिस वेरी एक्सपेरिमेंट सो बेसिकली ये भी एक तरह की नेगलिजेंस uh, है कि हम उनको uh, या तो प्रॉपर ब्रीफ ना करें या हम उनको प्रॉपर तरीके से इनफॉर्म जो है वो ना करें और हम उनको उसकी बजाय uh, किसी uh, और तरह के पोटेंशियल रिस्क से एक्सपोज कर दें समाइम्स मे बी कोई मेडिसन है जिसको एक इंडिविजुअल को uh, ये कहकर इम्प्लाई किया जा रहा है कि ये आपकी uh, जो है वो ओवरऑल uh, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यूज़ हो रही है बट दैट इज़ अ सइकैट्रिक ड्रग सो इस तरह की सिचुएशन uh, में जहाँ पे प्लिसीवो ड्रग्स दी जाती हैं जहाँ पे कोई सकेट्रिक ड्रग्स दी जाती हैं या नॉर्मल पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट दी जाती हैं लेकिन उसके बारे में कोई प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी जाती तो ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न समझा जाता है दैन पुटिंग सब्जेक्ट्स एट रिस्क चाहे वो फिजिकली हो सोशली हो मॉरली हो इकनॉमिकली हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड दैन रिस्क टू सब्जेक्ट्स आउटवेट बेनिफिट अगर रिस्क ज़्यादा हो रहे हैं किसी इंडिविजुअल को पोटेंशियल हार्म ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा कम हो रहा है तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर द रिसर्चर दैट ही इज़ अलाउड टू डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च और नॉट दैन वेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ह्यूमन राइट्स की बेसिक वायोलेशन उस रिसर्च में ना कर रहे हों डिसन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ देर इज एनी काइंड ऑफ तो उसके बारे में आयदर डी ब्रीफिंग की जाए या उसके बारे में पार्टिसिपेंट को किसी भी तरीके से ड्यूली इंफॉर्म किया जाए देन कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च इज ऑल्सो वेरी क्रूशल विच शुड बी गिवन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इन दीज अर्ली ट्रायल्स रिसर्चर्स डिड नाट हेजिटेट दैम सेल्व इन यू नो सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन या वो उन्होंने अपने आप को भी प्रॉब्लम में डाला और दूसरे लोगों को भी विदाउट कंसिडरिंग एनी ऑफ द एथिकल गाइडलाइंस क्लासिकली स्पीकिंग जो हैं जॉग ही हैज़ फॉलोड वेरियस डोजेज ऑफ सेवनटीन ड्रग्स जो कि उसने डिफरेंट डिफरेंट डोजेज़ में खा ली और वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉर्ड करना चाहता था ही वॉज़ अन अवेयर ऑफ़ द फैक्ट कि उसके पोटेंशल डेमेज़स उसको कितने होंगे एंड वेदर ही इज़ अलाउड टू डू दैट और नॉट because lack of ethical principles were there so he was, he was free to do that kind of research similarly the gerhard dormach he discovered uh, that uh, there was some uh, uh, particular kind of potassium which uh, uh, he wanted to implement onto, onto a child that was named uh, protonil sodium और उसने उसको अपनी ही सिक्स ईयर्स की डॉटर के ऊपर जो है वो टेस्ट करके देखा शी वॉज एन अयर ऑफ द फैक्ट दैट अ चाइल्ड कुड नॉट बी ट्रीटेड सच रूथलेसली कि आप उसके ऊपर कोई भी कैमिकल uh, एक्सपेरिमेंट करें और उसकी जो इन्फेक्शन है uh, वो उसको आप अपने अंडर कंसिडरेशन ना लें और उसने एक अनस्टिलाइज नीडल यूज़ की जिसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन जो थी वो उस बच्ची को कॉज हुई दैन लुइस पॉस्चर हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम ही इज़ ऑलवेज बीन एगेनाइज ओवर ट्रीटिंग ह्यूमन्स बिकॉज इवन दो उसको पता था कि उसकी रिसर्च के जो रिजल्ट uh, हैं वो लोगों को फ़ायदा देंगे यू नो दैट ही हैज द वन हु हैज डिस्कवर्ड पेंसिलीन लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स किए जो कि उसको ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं करने चाहिए थे क्लिनिकल पथोलॉजिस्ट ही इज नेम एज पथोलॉजिस्ट बिकॉज Uh, he was involved in kind of experimentation which was not allowed. edward jenner, to create the world's first vaccination, took a smallpox ki vaccination usne, banai thi. Uh, uh, a fatal experiment, and or itchote, vaccines, exposed, he was not sure of the result, that either was smallpox ki vaccination was butcheko, save smallpox, se, ya usko expose. expose but still he did that, and it was, very unethical experiment. So, these were few of the classical experiments which are still narrated in history as being highly unethical.